सॉरी स्टूडेंट, वो बाय मिस्टेक वीडियो पोस्ट हो गया था। मैं वो पोस्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो रुक गया था, तो हम वहीं से अब अगला वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरीके से समझा, तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की बात हमें इस वीडियो से करनी थी, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की आंसर की बात करेंगे। तो आंसर लिखेंगे, इसका होगा आंसर जिसमें दिया गया था, व्हाई डिड पोस्ट मास्टर लाफ एट लंचोस लेटर। तो लिखेंगे, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लंचोस लेटर। द पोस्ट मास्टर लाफ एट लंचोस लेटर बिकॉज ही नेवर सीन दिस एड्रेस इन हिज कैरियर। ही नेवर सीन दिस एड्रेस इन हिज कैरियर। उसने अपने पूरे मतलब कैरियर कहलाता है जब से उसने पोस्ट मास्टर की नौकरी की थी, तो वहाँ से उसका कैरियर का मतलब वहाँ से है। तो जब से उसने पोस्ट मास्टर की नौकरी की थी तब से उसने अपने जीवन में कभी भी इस तरीके का पता नहीं देखा था, इसलिए वो क्या कर रहा, क्या आ गई थी उसे, उसके पत्र पर हंसी आ गई थी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 9 नहीं लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है। हाउ, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, हाउ मच मनी डिड लेंचो, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच डिड ही गेट। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच डिड ही गेट। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी, एंड हाउ और मच और कितने डिड ही गेट उसे प्राप्त होते हैं या वो उसे मिल पाते हैं। लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी और वो कितने पैसे प्राप्त कर पाता है। लिखिए आंसर, लेंचो नीडेड 100 पीसेस, लेंचो नीडेड 100 पीसेस बट ही गेट ओनली 70 पीसेस। लेंचो नीडेड 100 पीसेस बट ही गेट ओनली 70 पीसेस। लेंचो को 100 यानी कि 100 सिक्कों की आवश्यकता होती है लेकिन उसे कितने मिलते हैं, ही गेट ओनली 70 पीसेस, लेकिन उसे केवल 70 सिक्के ही प्राप्त हो पाते हैं। तो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आते होंगे। जिन छात्रों ने इस कहानी को अच्छी तरीके से समझा है उन छात्रों को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डालिए 11। व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पार्ट से अगर शॉर्ट आंसर आते हैं तो अक्सर इसी क्वेश्चन को लिया जाता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भावनाओं को व्यक्त करने वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे आप। तो दिया गया, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट मास्टर पोस्टल एम्प्लॉयज सॉरी पोस्टल एम्प्लॉयज व्हाई डिड लेंचो कॉल, लेंचो क्यों कहता है द पोस्टल एम्प्लॉयज माने डाकघर के कर्मचारियों को बंच, जो पूरा उनका बंच एक समुदाय होता है, बंच मतलब गुच्छा झुंड या समुदाय जो होता है वो, ऑफ क्रूक्स मीन्स बेईमान। लेंचो पोस्ट यानी कि डाकघर के कर्मचारियों को बेईमान क्यों कहता है, अगर कहता है तो लेखक ने अगला क्वेश्चन इसी में ऐड किया है, वाज ही राइट इन डूइंग सो। वाज ही राइट, क्या वो सही है इन डूइंग सो माने ऐसा करने से, क्योंकि आप लोगों ने भी पाठ को पढ़ा है, तो इसलिए लेखक ने ये जी एल फ्यूंट्स ने ये आप पर छोड़ दिया है कि लेंचो ने क्यों डाकघर के कर्मचारियों को बेईमान कहा, अगर उसने बेईमान कहा तो क्या उसका कहना सही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। लिखिए, लेंचो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड एंड ही आस्क्ड 100 पीसेस टू द गॉड एंड ही आस्क्ड 100 पीसेस टू गॉड बट ही गेट ओनली 70 पीसेस, बट ही गेट ओनली 70 पीसेस, सो ही डाउटेड द ऑनेस्टी ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज, सो ही डाउटेड ओवर द ऑनेस्टी ऑफ द पोस्टल एम्प्लॉयज, सो ही
सो ही कॉल्ड द पोस्टल एम्प्लॉय ए बंच ऑफ क्रूक्स। सो ही कॉल्ड द पोस्टल एम्प्लॉय ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो पहले इतने कहां से समझ लेंगे, मैंने आपको आंसर बताया है लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो भगवान में गहरी आस्था रखता था या अटूट विश्वास रखता था, इसलिए वह भगवान से कितने सिक्के मांगता है, 100 सिक्के मांगता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान मुझे उसे कभी मनाही नहीं करेंगे। सो उस आंसर में लिखा है सो लेंचो आस्क्ड 100 पीसेस टू द गॉड, कि लेंचो भगवान से कितने सिक्के मांगता है, 100 सिक्के मांगता है, बट ही गेट ओनली 70 पीसेस, लेकिन उसे केवल कितने सिक्के प्राप्त होते हैं, 70 सिक्के प्राप्त होते हैं। सो ही डाउटेड ओवर द ऑनेस्टी ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय, इसलिए उसे डाकघर के कर्मचारियों की ईमानदारी पर शंका होती है, और वो उन्हें पूरे समुदाय को क्या बोलता है, सो ही कॉल्ड, इसलिए वो कहता है द बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि वो सब पूरे समुदाय को क्या कहता है, क्रूक्स बेईमान कहता है। तो यहाँ तक तो उसमें पहला आंसर था, लेकिन लेखक ने यहीं पर दूसरा आंसर ऐड किया था, सॉरी क्वेश्चन, वाज ही राइट इन डूइंग सो, क्या वो ऐसा करना उसका ठीक था। तो आप अपने मत से बताएंगे तो लिखेंगे इसके आगे, बट ही वाज रॉन्ग इन डूइंग सो, बट ही वाज रॉन्ग इन डूइंग सो, लेकिन उसका ऐसा करना गलत था। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वाज लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, वाई वाज लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज। इसी क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐड करेंगे, 12 और 13 दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको एक ही देना है। 13 क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, कि जब लेंचो को पत्र प्राप्त हुआ तो वो क्रोधित क्यों हो गया। और 12 में पूछा गया था व्हाई लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, कि लेंचो डाकघर के कर्मचारियों पर क्रोधित क्यों था। तो दोनों क्वेश्चन समान है, इसलिए दोनों का आंसर ही क्या होगा, समान। तो आपको 12 और 13 क्वेश्चन का आंसर एक ही देना है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो लिखेंगे आप व्हेन द लेंचो रिसीव द लेटर, व्हेन लेंचो रिसीव द लेटर एंड काउंटर द मनी, व्हेन लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेंचो पत्र प्राप्त करता है एंड काउंटर द मनी और पैसे गिनता है, देन ही गेट ओनली 70 पीसेस, ही गेट ओनली 70 पीसेस, व्हाइल जबकि ही आस्क 100 पीसेस टू द गॉड, व्हाइल ही आस्क 100 पीसेस टू द गॉड, सो ही डाउटेड द ऑनेस्टी ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयड एंड बिकम एंग्री विथ डैम, सो ही डाउटेड द ऑनेस्टी ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज एंड बिकम एंग्री विथ डैम, एंड बिकम एंग्री विथ डैम, इसलिए वो उनकी ईमानदारी पे शक करता है और उनसे क्रोधित हो जाता है। अब एक बार फिर से रिपीटेड कर दे रहा हूं मैं, कि लेंचो भगवान से 100 सिक्के मांगता है, जबकि उसे केवल 70 सिक्के ही प्राप्त होते हैं, जब उसे 70 सिक्के प्राप्त होते हैं तो वो डाकघर में कर्मचारियों की ईमानदारी पर शक करता है और उन पर क्रोधित हो जाता है। यही हमारा क्वेश्चन है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है हुवाज लेंचो, क्वेश्चन नंबर आप 14 लिखेंगे, हुवाज लेंचो व्हाट वेयर हिज मैन प्रॉब्लम्स, लेंचो कौन था, उसकी प्रमुख समस्या या मैन समस्या क्या थी। तो लिखिए लेंचो वाज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक कहलाता आशावादी, है ना, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कहलाता आशावादी, जो कभी आस को ना छोड़े, है ना, जो पूरी तरीके से टूटे ना, हमेशा उसकी आशा जुड़ी रहे, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी वो सोचे कि अभी कोई ना कोई उम्मीद बची है, उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो आप लिखेंगे लेंचो वाज एन ऑप्टिमिस्टिक फार्मर हु हैड डीप फेथ इन गॉड,
हु हैड डीप फेथ इन गॉड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हु वाज लैंचो की लॉन्चो कौन था। अब अगला क्वेश्चन ऐड दिया गया व्हाट वेयर रिच मैन प्रॉब्लम की उसकी प्रमुख समस्या क्या थी। तो लगेंगे हिज क्रॉप्स टोटली डेस्ट्रॉय बाय द हेलस्ट्रॉम। हिज क्रॉप्स टोटली डेस्ट्रॉय बाय द हेलस्ट्रॉम इट वॉज द मैन प्रॉब्लम ऑफ लैंचो। इट वॉज द मैन प्रॉब्लम ऑफ लैंचो। इट वॉज द मैन प्रॉब्लम ऑफ लैंचो। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का कि लैंचो एक आशावादी व्यक्ति था जो भगवान में गहरी आशावादी मतलब किसान था जो भगवान में गहरी आस्था रखता था और उसकी फसल ओलों के द्वारा पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। यही उसकी क्या थी प्रमुख समस्या थी। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 15। व्हाई डिड लैंचो नीड फ्रॉम गॉड कि लैंचो को भगवान से मदद की आवश्यकता क्यों थी। तो आंसर लिखेंगे लैंचो क्रॉप्स टोटली डिस्ट्रॉय बाय द हेलस्टॉर्म। लैंचोस क्रॉप टोटली डिस्ट्रॉय बाय द हेलस्टॉर्म एंड ही लिव अलोन ऑन द होल वैली। एंड ही लिव अलोन ऑन द होल वैली सो ही नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। सो ही नीड हेल्प फ्रॉम गॉड टू ऑर्डर्ड हेज फील्ड। टू ऑर्डर्ड हेज फील्ड एंड अलेव टू फैमिली अंटिल एंड अलेव टू फैमिली अंटिल हेज न्यू क्रॉप्स कम। हेज न्यू क्रॉप्स कम। तो इस तरीके से आपके इस वीडियो के माध्यम से आपने ए लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसरों को अच्छी तरीके से समझा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इन सारे शॉर्ट आंसरों को आप अच्छी तरीके से समझ करके अपने फेयर नोट में करेंगे और ग्रुप के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे कि किन छात्रों का होमवर्क कंप्लीट होता जा रहा है, जिससे हमें भी जानकारी होती रहे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो सभी छात्रों को एक बार फिर से बता दूं कि आप किसी प्रकार की लापरवाही ना करें और समय के अनुसार जैसा समय चल रहा है उसी समय के अनुकूल अपनी पढ़ाई को जारी रखें और समय समय पर आप हमसे डिस्कस करते रहें। कोई समस्या हो तो उसके बारे में हमें बताएं। सब्जेक्ट से कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो हमें बताएं कभी भी किसी टाइम। और इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट आंसर आपने कंप्लीट किए तो इन शॉर्ट आंसरों को लिख करके आपको लर्न भी करना है, क्योंकि जब भी स्कूल ओपन होंगे जिस किसी भी परिस्थिति में स्कूल अगर ओपन होते हैं तो आपको टेस्ट की पूरी तैयारी करके रखना है, क्योंकि जितना सिलेबस ऑनलाइन हो जाएगा तो सबसे जब भी आप स्कूल में आएंगे उसी दौरान सबसे पहले आपको इस सिलेबस का टेस्ट देना होगा हमें, ताकि पता चले कि आपने ऑनलाइन में कुछ किया है या नहीं किया है। तो हमें निराश ना करें और आप इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने कार्य को भलीभांति करते जाएं, लर्न करते जाएं और राइट भी करते जाएं। आपका धन्यवाद।